हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे LineageOS, जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है अपने K20 प्रो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नया डिवाइस लिया है K20 प्रो अभी के। अब इसके वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे कस्टम सॉन्ग में। तो आपको अगर K20 प्रो के रॉम्स, कस्टम रॉम्स और रिकवरी रिलेटेड सभी स्टफ इस चैनल पर मिल जाएंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, यहाँ पे मैंने LineageOS इंस्टॉल कर रखा है अपने डिवाइस में और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मैंने इसे काफ़ी टाइम टेस्ट किया है, फिर जाके वीडियो बना रहा। तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट बिल्ड है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिलता है, जो सिक्योरिटी पैच है 5 अक्टूबर का देखने को मिलता है। और गाइस, बात करूँ इसके बाकी के फीचर, तो इसमें आपको सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं एक LineageOS का, और आपको एक्स्ट्रा कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं इसके फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक इस रॉम में काम नहीं करता। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम करता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से काम करता है। लेकिन तो गाइस, बात करते हैं इसके बाकी के फीचर्स, इसमें आपको कुछ इतने ऐप्स इंस्टॉल मिलेंगे। ये बेंचमार्क ऐप को छोड़ के बाकी सारे चीज़ आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की, तो बेंचमार्क स्कोर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस रॉम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है, 3,52,000 का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा 855 के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं DRM इनको की, जो DRM इनको में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है इस रॉम में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी HD वीडियो स्ट्रीम करने में आपके फेवरेट साइट्स पे। तो गाइस, बात करते हैं इसके बाकी के फीचर्स के, तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जैसे अपना हाथ ऊपर से लेके जाता हूँ तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाता है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन मिलता है, जब जो कि आप ऑलवेज यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंस्टेंट अनलॉक होता है। अब गाइस, बात करते हैं इसके कैमरा की, तो कैमरा आपको AOSP का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है इस रॉम में, और 4K तक का वीडियो शूट करने का सपोर्ट देखने को मिलता है। गाइस, बात करते हैं इसके प्री इंस्टॉल्ड ऐप की, तो इसमें आपको म्यूज़िक ऐप एक इंस्टॉल्ड मिलेगा और ऑडियो इफेक्ट्स का ऐप इंस्टॉल मिलेगा, और आपको कोई भी ऐप्स इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके वॉलपेपर की, तो वॉलपेपर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता है, एक ही सिंगल वॉलपेपर देखने को आता है, जो कि ये स्टॉक वॉलपेपर है, और आपको एक्स्ट्रा कोई भी वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके बाकी के फीचर्स की, तो यहाँ पे हम इसके बैटरी का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि बैटरी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है इस रॉम में। तो मैंने इसे कल रात में चार्ज किया था और अभी भी 85% बैटरी है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है बैटरी का। बात करते हैं इसका फ्रंट कैमरे का, तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फ्रंट कैमरा ऑन करते तो आपको एक नॉइज भी सुनने को देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे फ्रंट कैमरा आप ऑन करते हो तो आपको एक वॉइस भी देखने को मिलता है। तो गाइस, LineageOS के सभी फीचर इस रॉम में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ फेस अनलॉक को छोड़ के। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, इंस्टॉलेशन का वीडियो इस रॉम में नहीं बनाऊंगा मैं, आपको सिर्फ अपना डेटा वाइप करना है येस करके, फिर उसके बाद डेल्विक कैच सभी चीज़ें फॉर्मेट कर लेना, और 2 फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप इंटरनल स्टोरेज में डाल के फ्लैश करना, काफ़ी ईजी है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूरी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे साथ वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।